लेकिन की मोनेस्ट्री जाने से पहले यार ये नज़ारा, मेरे तो 10 से ऊपर स्पीड चलाने का मन नहीं हो रहा। इधर साइड में पूरी की पूरी लेक जमी हुई है, जो आपको नीचे नीचे घरों के बराबर में जो एक सफ़ेद लेयर दिखाई दे रही होगी, इट्स स्पीति रिवर, और पूरी जमी हुई है फ्रोजन। और अब मैं दिखाऊंगा आपको अब गाड़ी चलते हुए नज़ारा। ये मैं गाड़ी रोक रहा हूँ और अब थोड़ी सी लेफ्ट लूँगा और अब दिखाई देगा आपको ये पूरी, ये जो पूरी लेयर है, इट्स ए स्पीति रिवर एंड इट्स फ्रोजन। और सामने देख रहे हो आप व्यू, ओ माय गॉड यार, ज़रूर 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 आए आप। हम व्यू पॉइंट के लिए ऊपर जा रहे हैं, की मोनेस्ट्री सीधा रास्ता था, हम ऊपर जा रहे हैं पहाड़ पे, वहाँ से पूरा की मोनेस्ट्री का व्यू आता है जो यूजली इंस्टाग्राम और उस पर देखते हैं आप लोग। और ये देख रहे हो आप साइड में पूरी की पूरी लेक जमी हुई है और पूरे पहाड़ लदे हुए हैं बर्फ़ से। ऊपर जाते हैं, देखते हैं क्या व्यू मिलता है। जो भी है, व्यू इज़ अमेजिंग, चितकुल से भी अमेजिंग व्यू है स्पीति कह रहा हूँ बार बार काजा पर। हम पहाड़ में ऊपर चढ़े हैं और मेरे राइट साइड का जो व्यू है, इट्स माइंड ब्लोइंग। हम लांगजा जा रहे हैं, काजा तो हम पहुंच गए थे, फिर हम लोकल वन का थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। तो अभी हम लांगजा विलेज जा रहे हैं जहाँ से व्यू माशाल्लाह है, बहुत ऑसम व्यू है। और सर्किट करते हुए आएंगे हम कॉमिक होते हुए। अभी जहाँ हम लांगजा से रहेंगे, लांगजा गाँव जा रहे हैं। ये देख रहे हो आप बर्फ की और चढ़ाई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट रोड है और डर भी लग रहा है। एमसीडी के गड्ढे खुदे हुए हैं दिल्ली वाले। हम पूरा सर्किट काट रहे हैं, सर्किट काटने के अब पहाड़ की जो चढ़ाई है वो ख़त्म हो गई है। हम बिल्कुल, आप देख रहे हो कि आप सिर्फ ऊपर लेवल दिख रहा होगा पहाड़ आपको, मतलब जो रोड है वो एंड है, वो पहाड़ के बिल्कुल ऊंचाई पे हैं। और यहाँ पे हो सकता है एल्टीट्यूड जब स्पीति का इतना हाई है, मीन्स काजा का इतना हाई है, तो हम उस पर भी चढ़े तो कितना हाई होगा। आई कैन फील दी सफोकेशन और ऑक्सीजन मुझे लग रहा है कि कम है, बट इतनी कम नहीं है। बट ऊपर आना वर्थ इट, जो व्यू नज़र आ रहा है इट्स अमेजिंग। आप भी नज़र कर पा रहे हो, आप भी देख पा रहे हो कि अभी उतरते हुए का भी व्यू दिखाऊंगा, तब थोड़ा सा सूरज डाउन हो जाएगा तो व्यू और अच्छा आएगा। अभी सामने का जो व्यू मैंने दिखाया, जो मैं चलते हुए आ रहा था, वो शायद मैं नहीं दिख रहा हूँगा, लेकिन आप देख पा रहे हो कि जो वादियाँ हैं वो बहुत ही ज़्यादा हसीन है। पहले आए होते तो जो आपको रोड दिख रहा है, जो हल्की हल्की बर्फ़ पिघल गई है रोड पर, यहाँ यहाँ तक बर्फ़ होती है। बट ठीक है, उस वक्त थोड़ी दिक्कत भी होती है, क्या पता रोड ट्रैफिक जाम होता हो तो शायद हम आ भी नहीं पाते यहाँ पे। नज़ारा माशाल्लाह। तंजी होम स्टे, ये हम कहाँ पहुँच गए, ऊंचाई पे सर्किट करके आए।
गाड़ी निकल गई है उनकी, बर्फ से हाथ धुल गए, साफ हो गए। बट मैंने वहाँ पे क्या स्पॉट किया, पहाड़ी काफ जो वो होते हैं, वो बाल होते हैं उनके बहुत ज़्यादा, दे आर टू पालतू है, ब्लैक कलर के। वो व्यू तो है, तो मैं कहूँगा जब भी आप स्पीति आए, मतलब काजा आए, तो लांगजा जरूर आए, यहाँ से व्यू है पूरा। कैमरे में कैप्चर नहीं हो रहा ये धूप की वजह से। फिसलते हुए आए हैं और बोल रहे मेरे फ़ोन से शूट मत करो, उनकी दाढ़ी पे देख लो बर्फ, दाढ़ी बर्फ से जम गई है। द स्ट्रगल इज रियल। सुसु अगले साहिब भाई सुसु कर ले, क्यों तुमने तो खरीदी सर। बर्फ में कौन क्या बोलेगा, काजा लगभग 6-7 किलोमीटर रह गया। आप कच्चे रास्ते से, जो हम नीचे पक्के रास्ते पे आ गए, आप यकीन माने इंडियाज वर्ल्ड हाईएस्ट विलेज से लेके अभी तक हमें कोई भी गाड़ी नहीं मिली, कोई भी गाड़ी नहीं मिली लिटरली। मतलब सही में दिल्ली वालों को चिल बहुत है यार।